कभी आपने सोचा है कि आप घर में एक सब्जी बनाइए जो खाने में बहुत स्वादिष्ट हो, इसे हर कोई चाव से खा ले, और इस सब्जी को खाने से आपकी गठिया की बीमारी सही हो जाए, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही हो जाए, आपका मियादी बुखार जड़ से सही हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुल्लू की। गुल्लू, जिसे हम महुआ के फल के नाम से जानते हैं, हालांकि इसके हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, हम लोग इसे गुल्लू के नाम से जानते हैं, और ये इसी मौसम में मिलता है। ये जो मानसून का मौसम होता है, इसी वक्त गुल्लू बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। ये औषधि गुणों से भरपूर वह सब्जी, इसे लोग आजकल कम बना रहे हैं क्योंकि लोग फैंसी खाने के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये जो हमारे लोकल सब्जियां हैं, फल, ये कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। आजकल छोटी बाज़ारों में ही मिल पाते हैं, वरना बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं कि ये है क्या। तो इसलिए आज मैं ये आपको सब्जी बनाना सिखाऊंगी। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये है गुल्लू की सब्जी, इसे मैं अच्छे से छील लेती हूँ। इसे छीलना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है। इसके छिलके को मैं चाकू की मदद से पूरी उतार लूँगी, और इसके बीज काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो मुझे छिलके और बीज को अलग करना है और इसके गूदे की ही सब्जी बनानी है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से गुल्लू को छील लिया है। मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से छीलना है, इसी तरीके से मैं सारी सब्जियों को छील के तैयार कर लेती हूँ। इसके छिलके उतारने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि छोटे छोटे फल होते हैं, तो इसलिए इसका छिलका उतारना और बीज निकालना थोड़ी लंबी प्रक्रिया। तो आप जब भी टीवी वगैरह देखने बैठिएगा तो ये काम कर लीजिएगा, तो इसलिए आपका टीवी देखते देखते ये कब काम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और इतनी ज़्यादा हेल्दी सब्जी को आप जब बनाएंगे तो आपके परिवार का स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। ये देखिए इसके बीज कितने बड़े बड़े होते हैं, मैंने इन्हें अलग कर लिया है। अब गुल्लू की सब्जी में मैं थोड़ा सा बेसन डाल दूंगी, मैंने लगभग 2 चम्मच बेसन डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। देखिए बेसन और पानी हमें इतना ही डालना है कि इस गुल्लू की अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो मैंने 1 किलो गुल्लू लिया था, उसमें 2 चम्मच बेसन डाल दिया और थोड़ा सा पानी, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डालिएगा। पानी इतना होना चाहिए कि इसकी कोटिंग हो जाए ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो हमारी सब्जी थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। तो ये देखिए मेरी कोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक कढ़ाई में लगभग 3 से 4 चम्मच तेल ले लूँगी और उसे गर्म करने के बाद उसमें गुल्लू की सब्जी को डाल के उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो चलिए अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें हम अपनी गुल्लू की सब्जी जो बेसन में ऑलरेडी कोट की हुई है उसको अच्छे से डाल के फ्राई कर लेते हैं। देखिए मैं आपको हर चीज़ के पीछे का कारण ज़रूर इसलिए बता देती हूँ क्योंकि खाना बनाने में ज़रूरी है कि हम कोई प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं। खाना बनाना मेज़रमेंट तो मैं आपको बता सकती हूँ, पर खाना बनाना एक कला है जो अंदाज के साथ आती है। तो इसलिए जब आप खाना बनाते हैं तो खुद से खाने के बारे में समझिए, तब आप अपने आप एक अंदाज बना पाएंगे और खाने को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सिर्फ मेजरमेंट तो मैं बता दूंगी पर उससे खाना अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए आप खुद बनाइए, खाने को समझिए, तो आपका खाना और भी ज़्यादा बेहतर बनेगा। ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद हमारी गुल्लू की सब्जी इस तरीके से भूनने के बाद काफ़ी रेड पड़ चुकी है, और ये रेडनेस जो ये कोटिंग है ये बेसन की है, इसलिए ये कुरकुरी और काफ़ी अच्छी हो गई है, भुन गई है हमारी। 10 से 15 मिनट तक मैंने भूना था, और इस दौरान मैंने प्याज और लहसुन ले लिया है जिसको मैं पीस लूँगी। हाँ, बस पीसते वक्त ये याद रखना है कि जो पेस्ट होगा वो हमारा दरदरा होगा, महीन पेस्ट नहीं करना है हमें। ये दरदरा पेस्ट भी तैयार हो गया, फिर क्या, चलिए अब सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं उसी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें गुल्लू को फ्राई किया था, उसमें से मैंने गुल्लू निकाल दिया है और पोंछ लिया। अब फिर से उसी कढ़ाई में तेल ले लूँगी और इसमें अपना लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से भून लूँगी। देखिए बर्तन कम ही इस्तेमाल करिए, नहीं हमारी काम वाली बाई ने तो हमको पहले ही अल्टीमेटम दे दिया कि इतना बर्तन निकालेंगे तो मैं काम छोड़ दूँगी, तो भाई हम भी डर गए थोड़ा सा। तो इसलिए एक बर्तन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, थोड़ा उनकी भी मेहनत बचा लीजिए। फिर अब अपने इस पेस्ट में मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दिया है, 1 चम्मच लाल चिली पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और इसके बाद इसे मैं अच्छे से डाल के भून लेती हूँ। मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है। अब ये मसाला सूखा था तो कहीं जल ना जाए, इसलिए मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से पका लेती हूँ। ये देखिए अब मैंने घर का ही गरम मसाला
लगभग 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है और फिर से थोड़ा पानी। देखिए पानी मैं बार बार इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारा मसाला सूखा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मसाला ही जल जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे बार बार भून रही हूँ। और अब इसमें गुल्लू डाल के उसे फिर से भून लेते हैं। तो अब गुल्लू की सब्ज़ी जो हमारी फ्राइड थी अब दोबारा फ्राइड हुई और अब की मसाले के बीच फ्राई हुई है और मसाले की अच्छी सी कोटिंग भी हो गई, तो इससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा और थोड़ी मसालेदार हो जाएगी तो घर में सबको पसंद भी आएगी। तो स्वास्थ्य के साथ साथ आपका टेस्ट भी कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है, पानी हम उतना ही डालेंगे जितनी हमको ग्रेवी बनानी है। देखिए भाई ग्रेवी की पसंद तो सबकी अपनी अपनी होती है, किसी को गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो किसी को पतली। फिलहाल मैंने मीडियम ग्रेवी बनाई है इसलिए मैंने 1 बड़ी गिलास भर के पानी डाल दिया है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मतलब फ्राई करने से लेके ग्रेवी बनाने तक पूरी प्रक्रिया के दौरान जो आँच रहेगी गैस की वो मीडियम ही रहेगी। चलिए अब इसको ढक देते हैं। 5 मिनट के ढकने के बाद हम ढक्कन को खोल के खुली आंच पे लगभग 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे, जिसे हम गांव में कहते हैं ना एकदम सोंधा स्वाद आएगा। तो ऐसे ही जब हम खुली आंच पे अच्छे से भून के सब्जी को पकाते हैं ना, तो मतलब ज़्यादा समय लेके धीरे धीरे इसके मसाले और आपस में सब्जी पकती है, तो उसे गाँव में कहते हैं सोंधा स्वाद आना। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि खाना जब झटपट बनता है तो उसका स्वाद फिर अच्छा नहीं आता, इसीलिए खाने को समय देना ज़रूरी है। और ये देखिए 20 मिनट के अंतराल पे मेरी ये सब्जी तैयार हो गई। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए गुल्लू की सब्जी ले ली मैंने और इसको मैंने अच्छे से सजा लिया। अब इसके साथ चावल हो जाए, चावल तो भाई मुझे बहुत पसंद है, आप रोटी चावल जो मर्जी आ लीजिए, और सलाद और मेरा पसंदीदा अचार, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लोग चेक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी विधि और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि मेरे चैनल को अपना साथ दीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ और आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँ।